क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं थे, पैसे नहीं थे कि मैं ट्यूशन करूं। ट्यूशन समझते हैं ना, कोचिंग। आज कोचिंग कहा जाता है, हम लोग ट्यूशन बोलते थे। तो जीवन है, हिम्मत ना हारिए, बिसारिए ना राम को। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। और एक दुनिया में बात याद रखिएगा, लोग बोलते हैं कि हम आगे बढ़ते हैं ना तो कोई रोड़ा डाल देता है। जब हाईवे बनता है ना तो सबसे ज्यादा रोड़ा की जरूरत उस हाईवे में पड़ती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लक्ष्य पूरा करना होता है। तो रोड़ा जब तक नहीं पड़ेगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपके अंदर वो मजबूती नहीं आएगी, तो उस रोड़ा को रोड़ा मत समझिए। उस रोड़ा को ऐसा रोड़ा समझिए कि मेरे हाईवे बनाने का काम आ रहा है। और मेरे जीवन में कर रोड़े कम थोड़ी आए हैं, आए हैं। एक फाइल प्रधानमंत्री तक पहुंचने में कम हजारों समय लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। तो भगवान के पास आपका लेटर पहुंचने में वक्त तो लगेगा। हिम्मत मत हारिए, पहुंचा दीजिए लेटर अपने आप को, अपने विश्वास की, अपनी मेहनत की, अपनी ताकत की। इंसान को भगवान बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अच्छा कर्म करिए, दुनिया आपको भगवान बना लेगी। तो किसी को मानिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत मानिए। अगर उसके विचारधारा आपसे मिलते हैं तो उसको मानिए, अदरवाइज किसी को मत मानिए। तो कोशिश यही करिए कि ये प्यार कल ही परसो झंझ के लेके आए, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं थे, पैसे नहीं थे कि मैं ट्यूशन करूं। ट्यूशन समझते हैं ना, कोचिंग। आज कोचिंग कहा जाता है, हम लोग ट्यूशन बोलते थे इसको। तो जीवन है, हिम्मत ना हारिए, बिसारिए ना राम को। मुश्किल नहीं।